पृथ्वी, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है, कहां तक जाने के बाद समाप्त हो जाता है, कहां तक जाने में समाप्त होता है, 100 किलोमीटर के एरिया में जाओगे समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से ऊपर, और वहां से शुरुआत किसका होता है, स्पेस का। ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी के सरफेस हो गया, ये अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस 100 किलोमीटर पे। और दूसरा याद रखना, वैन एलन बेल्ट, वैन एलन बेल्ट क्या है, एक मैग्नेटिक लाइन है जो दो परत में है, अंदर वाला जो रेड वाला है ये क्या है, ये इनर वैन एलन बेल्ट है, ये वाला, और जो बाहर वाला है ये क्या है, आउटर वैन एलन बेल्ट। और इन दोनों परतों का काम क्या है, ये दोनों परत पृथ्वी के वायुमंडल को बाहरी जो कॉस्मिक रेज है, नुकसानदेह जो किरणें हैं, उससे बचाने का काम करता है। पृथ्वी का वायुमंडल कहाँ पे है, पृथ्वी का वायुमंडल यहाँ, इस वायुमंडल को बचाने का काम कौन कर रहा है, ये दोनों वैन एलन बेल्ट। 500 किलोमीटर से करके 58,000 है ना, 500 किलोमीटर से 58,000 किलोमीटर। अब अभी नेक्स्ट स्पेस में हम जाते क्यों, क्या ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि धरती पर रहने वाला आदमी सब भाग गया अंतरिक्ष में, क्यों जाना चाहते अंतरिक्ष तो देखने के लिए, यस, क्योंकि यहाँ पे आदमी इतने भाग देख पाएगा, यहाँ पे जो लोग रह रहा है ये इतने भाग देख पाएगा, यहाँ पे रह रहा है उतना भी भाग नहीं देख पाए, लेकिन अगर किसी को ऊपर ले जाओ यहाँ पे टांग दो ये इतना भाग देख पाएगा, ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी के हिस्सा को देखने के लिए, अवलोकन के लिए, ताकि हम ये तय कर पाएंगे कहाँ पे कौन सा संसाधन है। पहला सवाल बनता है कि हम स्पेस पे जाते क्यों हैं, उद्देश्य क्या बनेगा, पहला पृथ्वी के अवलोकन के लिए, ताकि हम ये तय कर पाए कहाँ पे कौन सा संसाधन है, और उस संसाधनों का आकलन कर पाएंगे तो उसका हम बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे, और बेहतर प्रबंधन होगा तो लोगों में सही से वितरण होगा, और जब लोगों में सही से वितरण होगा तो लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, और जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो सरकार को क्या होगा, जीडीपी में बढ़ोतरी होगा, और जब जीडीपी में बढ़ोतरी होगा तो व्यक्ति का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या अपने आप बढ़ेगा, तो जब सरकार और लोग साथ आ जाएंगे तो देश का विकास होगा, नए नए अवसंरचना बनेंगे, जब अवसंरचना बनेगा तो रोजगार आएगी, जब रोजगार आएगी फिर खुशहाली आएगी। तो हर एक चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे चीज से प्रभावित होता है, तुम्हारा हर गतिविधि इस देश के विकास और विनाश दोनों को तय करता है, इस बात को याद रखना, क्योंकि तुम इस देश में पैदा हुए हो, यहीं पे खा पी रहोगे और यहीं पे मर जाओगे, तो ऐसे तो पशु भी आते जाते रहते हैं, तो तुम में और पशुओं में अंतर क्या है, तुमने इस मिट्टी पे जन्म लिया है तो तुम्हें इस मिट्टी के कर्ज को चुकाना पड़ेगा, और चुकेगा कैसे, जब तुम देश के लिए कुछ छोड़ के जाओ, कुछ करके जाओ, कुछ दिखा के जाओगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन में काम करेगा, उपयोग में काम करेगा। ये काम करना है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, चाहे जो भी, और ये काम एक झाड़ू वाला भी करता है, और ये काम तुम लोग भी कर सकते हो, तुम 5 लोगों का जान बचाते हो तो भी एक देश काम, देश का ही काम, तुम किसी को रास्ता दिखाते हो तो भी देश का ही काम, तुम किसी चीज को तोड़ फाड़ से बचाते हो तो भी देश का ही काम, तुम किसी 2-4 पेड़ पौधे लगाते हो तो भी देश का ही काम है, और ये भी आपका उपयोगिता है, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि हमारी उपयोगिता क्या है। हर लोग तो अब्दुल कलाम आजाद तो बनने से रहा, तो फिर हम हर उपयोगिता क्या, हम 20-50-100 पेड़ लगा लें ये तो कर सकते हैं ना, हम चले जाएंगे जो उसके बाद उस जगह पे जो लोग लहलाते रहेगा, आम खाते रहेगा, हवा लेते रहेगा, छांव में चलेगा, मेरा नाम लेगा, उसका आत्मा नाम लेगा। तो याद रखना आप पहले कि हम स्पेस में जाते क्या, हम पृथ्वी के अवलोकन के लिए, तो पहला काम ये हो गया, ये स्पेस टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है,
ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, टू ऑब्जर्व अर्थ, पृथ्वी के अवलोकन के लिए, पृथ्वी के अवलोकन के लिए। दूसरा काम क्या हो जाएगा, टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रभावी दूर संचार को स्थापित करने के लिए। तीसरा काम क्या हो जाएगा यहाँ पे, नौ वहन के लिए, नौ वहन व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए। चौथा क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष के दोहन के लिए। और पांचवा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो पृथ्वी पर जो लोग रहे हैं उनके सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए, पृथ्वीवासी के सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, अंतरिक्ष के दोहन के लिए, मतलब अंतरिक्ष में जाएंगे और ये क्या होगा, नौवहन कार्य, चाहे वो सड़क परिवहन हो, हवाई परिवहन हो या, ठीक है, जल परिवहन, सभी परिवहन को बेहतर करने के लिए। और ऐसा हमारा उद्देश्य है, यही उद्देश्य है स्पेस टेक्नोलॉजी का है, और इसीलिए भारत भी स्पेस में गया है। स्पेस में जो शुरुआत किया जाने का, वो शुरुआत किया है रशिया ने 1957 में स्पुतनिक 1 उपग्रह के द्वारा उसने शुरुआत किया, और उसके बाद अमेरिका आया, उसके बाद दुनिया के तमाम देश आया, उसी में एक भारत भी। लेकिन भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो संस्थागत विकास हुआ है वो थोड़ा सा अलग हुआ है।